बाकी सारा कुछ तो और वाले से लेकर के सारा कुछ तो बिल्कुल मैच हुआ जो मैंने टिक आपको करके दिया था। और सेम ऐसे ही 2021 में भी आप लोग करके आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है 2021 में भी सेम ऐसा ही पैटर्न आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कोशिशी बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। इनऑर्गेनिक का आपका हो चुका है कल, आज हम लोग देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के का गेस्ट पेपर कि 2021 में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और क्या क्या आपको पढ़ करके जाने चाहिए। हालांकि 2021 से नहीं, आगे आने वाले सभी ईयर्स के लिए रहने वाला है, लेकिन फिर भी मैं स्पेशली 2021 बोलना चाहूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी सारा कुछ आप लोग जानते हैं, आगे बढ़ते हैं सीधे, फटाफट आते हैं क्वेश्चन पर। मैं इस पर अगर बात करूँ तो हम लोग कैसे इस पर बात करने वाले हैं, जो लोग नए स्टूडेंट हैं उनके लिए, बाकी पुराने तो आप लोग जानते हैं कि मेरा पैटर्न क्या रहता है। नए वाले स्टूडेंट्स को मैं बता दूँ जो पहली बार वीडियो मेरा देख रहे हैं, 2015 से 2020 तक का पिछले 5 से 6 साल का पेपर हम लोग यहाँ पर पूरा एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देखेंगे, पूरा प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊँगा। आज के पहले आप लोग भले कभी प्रीवियस ईयर नहीं पलटे होंगे, कोई बात नहीं, आज मैं आपके सामने पलटवाऊंगा और आप लोग लाइव बिल्कुल प्रूफ देखेंगे कि आपको आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आपको क्या पढ़ करके जाना चाहिए। लॉजिकली मैं तुक्का मार करके नहीं बताऊंगा कि हाँ ये पढ़ लेना काम फिट हो जाएगा, बिल्कुल लॉजिकली आप लोग खुद ही निकालेंगे हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद बताएंगे ये इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बताऊँगा, आप लोग खुद बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप लोग जानते हैं कि मेरी बिल्कुल गारंटी रहती है कि 80-90% तो आएगा ही आएगा, किसी भी हालत में आएगा, इतनी मेरी गारंटी रहती है, इतना मैं टिक तो कर ही देता हूँ, मेरे बिल्कुल लिखित गारंटी रहती है और आज तक ऐसा हुआ है, ठीक है। मैंने 2-3 साल मैंने टिक किया है, ऐसा हुआ है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ तो आगे आने वाले समय में भी ऐसा होगा, और अच्छा पेपर जब बन जाता है, यानी कि ज़्यादा हार्ड अगर लोग नहीं बनाते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस अगर पुटअप नहीं किए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि 90% प्लस भी फंसता है और कोई कोई पेपर तो बिल्कुल 100% सेम टू सेम वही आ जाता है जो मैंने गेस करा हुआ था। ऐसा मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरे जो अनुभव रहे हैं अभी तक के पेपर पर रिसर्च करने के, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ और जो रिजल्ट्स रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं सिर्फ अनुभव के आधार पर, जो रिजल्ट्स आए हैं पिछले 2-3 सालों में उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा आपका आएगा, ठीक है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। पहला एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में आपको ठीक से तैयार करके जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मैंने नहीं करवाया है, शायद देख लीजिएगा करवाया नहीं करवाया है, याद नहीं है मुझे, पढ़ लीजिएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने करवाया है, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक रोटेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ करके जाइएगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, आप लोग पढ़ करके जाइएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने करवा दिया है, आप लोग पढ़ करके जाइएगा। रमन स्पेक्ट्रम सिलेक्शन रूल्स इन रमन स्पेक्ट्रम ये मैंने करवा दिया है, आप लोग पढ़ करके जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है। देखिए आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिपीट करता है, पढ़ करके जाइएगा। क्वांटम इम्पॉर्टेंट है, रिपीट करता है, पढ़ करके जाइएगा। ये वाला तो मैंने करवा दिया है, ये वाला मैंने नहीं करवाया है। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल मैंने करवा दिया है, पढ़ करके जाइएगा। बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन मैंने करवा दिया है और इम्पॉर्टेंट भी है, पढ़ करके जाइएगा, रिपीट करेगा, मतलब इसका 10 का 10 बिल्कुल पढ़ करके जाना है, ये वाले सेक्शन का 10 का 10 बिल्कुल आपको पढ़ करके जाना है। पोस्टलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने नहीं पढ़ाया लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा। श्रोडिंजर इक्वेशन मैंने पढ़ाया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, खुद से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। LCAO बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, मैंने खुद भी पढ़ाया हुआ है। क्वांटम नंबर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट करता है, मैंने खुद भी पढ़ाया हुआ है। एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटम एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, फोटो केमिकल रिएक्शन में मैंने पढ़ाया भी हुआ है, आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। और फोटो केमिकल रिएक्शन मैंने अभी टिक कर दिया आपको, फोटो केमिकल रिएक्शन तो वही क्वेश्चन आप देखेंगे, थोड़ा अलग वे में यहाँ से पूछ लिया है कि हाउ डू फोटो केमिकल रिएक्शन डिफर्स फ्रॉम थर्मल रिएक्शन, तो थर्मल रिएक्शन क्या होता है, फोटो केमिकल रिएक्शन क्या होता है और फोटो सेंसिटाइजेशन क्या होता है, ये तीनों मैंने शायद करवाया है, आप लोग जा करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और खुद से भी पढ़ लीजिएगा, खुद आपके पास अगर कोई नोट हो तो उसी से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे मैसेज करिए मेरे नंबर पर, 50 रुपये लगेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, तुरंत आपको सारा नोट मिल जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस ही इधर उधर डिफर करेंगे, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। सारे तो नहीं मिलेंगे लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये मैं बोल सकता हूँ।
थर्मोडाइनमिक में डिराइव थर्मोडाइनमिकली द रिलेशन बिटवीन मॉलिकुलर वेट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है पॉलीगोटिक प्रॉपर्टी, पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, ये मैंने नहीं पढ़ाया है, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट की अगर बात करूँ, इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी अगर आप लोग देखेंगे ना, मैंने सारा कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बताया है। और इसके अंदर जो पूछा है ना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मेथड वाला, तो ये सारा कुछ आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो डाई एटॉमिक रिजिड रोटर मैंने पढ़ाया हुआ है, जा करके पढ़ लीजिएगा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और बाकी खुद से भी थोड़ा बहुत इसमें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने शायद थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ाया था, तो आप लोग थोड़ा लॉन्ग में जा करके पढ़ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल के लिए। अब आते हैं 2016 के क्वेश्चन पेपर पर, अब यहाँ से आपका रिपीट होना शुरू होगा। 2015 का सारा क्वेश्चन आपको पढ़ डालना है, सारा पढ़ डालना है, एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब आते हैं 2016 पर, 2016 में क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या पढ़ना है, मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए फोटो केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, एक वहीं से और क्वेश्चन बनता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, ये अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है, दोनों आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, रिपीट करिएगा। हाइजेनबर्ग देखिए मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी, ये आपको नहीं पढ़ना है। देखिए साई एंड साइन स्क्वायर का सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, पढ़ लीजिएगा। रेडियल एंड एंगुलर वेव्स फंक्शंस, ये मैंने नहीं पढ़ाया है लेकिन पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्रॉथस ड्रॉपर लॉ मैंने पढ़ा दिया है, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं और इसका एग्जांपल के साथ पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, रिपीट करता है। क्वांटम एफिशिएंसी मैंने टिक कर दिया है ऑलरेडी। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी दिया है, इंपॉर्टेंट भी है, रिपीट भी करता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ लीजिएगा खुद से, मैंने नहीं पढ़ाया है और इंपॉर्टेंट है। फ्रैंक अंडर पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ाया भी है, इंपॉर्टेंट भी है। अब आते हैं बी वाले में, बी वाले की अगर हम लोग बात करें तो बी वाले सेक्शन में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एंड डिड्यूस आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो अभी मैंने फोटो इलेक्ट्रिक वाला टॉपिक मैंने भी आपको टिक कर किया था, तो फोटो इलेक्ट्रिक वाले टॉपिक को पूरा डिटेल में आपको पढ़ लेना है जितना हो सके उतना, और जितने में उतना हो सके उतना का क्या मतलब है, ये आपको पढ़ना है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ये आपको पढ़ना है। साथ में आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को आप कैसे डेरिवेट करेंगे, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया, हाइजेनबर्ग वाला वही लिखना है। बॉर्न ओपेनहाइमर मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी, ये देखिए ये मैंने पढ़ाया भी है, आप लोग कर लीजिएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम नेक्स्ट है। क्लासियस मोसर्टी इक्वेशन ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है, आप लोग पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है, रिपीट करता है। और नेक्स्ट है देखिए डिस्कस द टाइप ऑफ सब्सटेंसेज गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने नहीं करवाया है। द पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, रिपीट करता है, सेम टू सेम। नेक्स्ट की बात करूँ तो केमी ल्यूमिनेसेंसेस, ठीक है, केमी ल्यूमिनेसेंसेस ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत रेयर रिपीट करता है, अगर हो सके ना, अगर ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिएगा, नहीं तो पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कभी तो रिपीट करेगा, है ना, एक दो बार रिपीट किया ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ही रेयर रिपीट करता है, तो इसलिए अगर ना मिले इसका आंसर तो कोई बात नहीं, अगर मिल जाए तो पढ़ लीजिएगा, है बहुत आसान सा टॉपिक। वांट ऑफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सारे भी नए टॉपिक हैं, घबराइए मत, एक दो पेपर के बाद ना अभी हवा लगेगा, बिल्कुल हवा, ठीक है, बस आप लोग देखते जाइए। प्लैंक वाला मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, खुद से भी पढ़ लीजिएगा प्लैंक रेडिएशन फार्मूला। और नेक्स्ट है रमन स्पेक्ट्रम, मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ HI पढ़ लीजिएगा, वही जब आप लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे ना तो उसी के अंदर आ जाएगा ये भी आपका, कि HI का डीकम्पोजिशन कैसा होता है, उसी टाइम आप लोग इसे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, HI का डीकम्पोजिशन क्या होता है फोटोकेमिकल के थ्रू, और इसका पूरा मैकेनिज्म के साथ ठीक से। आगे बढ़ते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है और टिक भी कर दिया है, पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए एक नया क्वेश्चन है, और जैसे मैंने भी यहाँ पे कराया था ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन जो मैंने टिक किया है, वही वाला पूछा है लेकिन थोड़ा सा अलग करके पूछ दिया है, तो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, इसे भी लॉन्ग में आपको मिल सकता है करने के लिए। आगे बढ़ते हैं,
2017 वाले पेपर पर अगर हम लोग आएँ तो 0 पॉइंट एनर्जी। अभी देखिए अभी नए क्वेश्चन आपको कुछ मिलेंगे यहाँ से अभी, लेकिन 2018 के बाद आपको फंसने शुरू हो जाएंगे। एकदम बिल्कुल पेशेंस बना करके, धैर्य बना करके वीडियो को देखते रहिए। 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी। ये देखिए नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी टॉपिक नहीं क्वेश्चन है, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशियंट। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करता है, पढ़ लीजिएगा। ब्रोथस ड्रॉपर मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी। डे ब्रॉगली पढ़ लीजिएगा, और शायद मैंने पढ़ाया भी है, देख लीजिएगा। फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स है जीरो एंड फाइनाइट डाइपोल मोमेंट मैंने पढ़ाया भी है, पढ़ लीजिएगा। IR एक्टिव एंड IR इनएक्टिव, जब आप लोग रमन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तो शायद उसी में मैंने करवाया, नहीं एक अलग, इसका मैंने अलग एक वीडियो बनाया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा जा करके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट डाइपोल मोमेंट मैंने टिक कर दिया, साइन वाला मैंने टिक कर दिया है। LCAO मैंने टिक कर दिया है। कॉम्पटन इफेक्ट ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये नया टॉपिक अभी के लिए पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसका पूरा डेरिवेशन के साथ, ठीक से पढ़िएगा। स्ट्रोक्स एंड एंटी स्ट्रोक्स ये आपको उसी रमन वाली वीडियो में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट ये देखिए, एक देखिए यहाँ से वही आपका जो अभी जो मैं फ्रीजिंग पॉइंट और जो मैं टिक कर रहा था उसी के ऊपर आप देखेंगे, ये यहाँ से उसी वाले चैप्टर में आप देखेंगे एक टॉपिक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक टॉपिक होता है, वहाँ से एक न्यूमेरिकल बना दिया है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिएगा, ठीक है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए मैं न्यूमेरिकल ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूं, मैं थ्योरेटिकल ही ज़्यादा करता हूं, क्योंकि ये आसानी से आपको सोल्यूशन भी मिल जाता है इसका, कुछ ना कुछ तो आप लिख ले जाते हैं, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल ठीक से लगाने नहीं आ रहा है तो आपका चला जाएगा, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात होती है, पूरा नंबर मिलता है। क्लासेस मोसट्टी मैंने टिक कर दिया। राउल्स लॉ ये देखिए इंपॉर्टेंट है, रिपीट करिएगा, पढ़ लीजिएगा। कुल मिला के ना देखिए फिजिकल केमिस्ट्री मुश्किल से 20 टॉपिक के आसपास आपको पढ़ना है ठीक से, इसके बाद सारा कुछ आपका फंसने लगेगा उसी के अंदर से। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी रिजिड रोटर वाला मैंने टिक कर दिया है। फोटोकेमिकल रिएक्शन ये देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट किया है, फोटोकेमिकल रिएक्शन और ये कैसे थर्मल रिएक्शन से डिफर करता है मैंने टिक कर दिया है। ऑर्जल एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने टिक कर दिया है। IR स्पेक्ट्रम मैंने टिक कर दिया है। ये देखिए अभी मैंने आपको दिखाया था डिप्रेशन वाला, अब देखिए एलिवेशन वाला आ गया है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो दोनों ही आप देखेंगे ना, कक्षा 12 का क्लास 12 का आपका पहला ही जो चैप्टर होता है ना, नहीं सॉरी, सॉल्यूशन वाला जो आपका चैप्टर होता है, दूसरा वाला चैप्टर डिसोल्यूशन या सोल्यूशन वाला जो आपका चैप्टर होता है क्लास 12 का, वहाँ से टॉपिक है, वो वाला टॉपिक है, वो यहाँ से पूछ रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों टॉपिक अगर आपको मिल जाए इसका नोट बढ़िया तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो एलिवेशन आएगा या तो डिप्रेशन आएगा, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन मैंने टिक भी कर दिया है, पढ़ लीजिएगा। फोटोकेमिकल कम ये देखिए वही बात, सेम वही बात, लेकिन थोड़ा सा अलग, फोटोकेमिकल रिएक्शन वाला है लेकिन थोड़ा सा चेंज करके देखिए बोल दिया है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के लिए बोला हुआ है, ठीक है। डिस्कस द काइनेटिक ऑफ फोटोकेमिकल कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, यानी कि SCL आप जिसको बोलेंगे, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा चेंज करके पूछा हुआ है। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ाया भी है, हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। देखिए अभी मैं बोल रहा था ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, ये देखिए पूछ लिया है, लेकिन इस बार थियरी पूछा है, तो थियरी तैयार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल ना आए तो छोड़ दीजिएगा, नहीं तो थियरी आप तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। IR मैंने टिक कर दिया है। आइसोटोप इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, नया टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, 2018 वाले पे आते हैं। ये देखिए साइन एंड साइन स्क्वायर मैंने टिक कर दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने टिक कर दिया है। एक देखिए नया क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, रिपीट करता है, सेम क्वेश्चन रिपीट करता है कि Hg2+ एग्जिस्ट करता है लेकिन Hg2 रिपीट सॉरी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ना तो ये भी नया तो नहीं है, जब आप लोग रमन वाला वीडियो देखेंगे तो उसी में रेले और रमन स्कैटरिंग मैंने दोनों पढ़ाया हुआ है, तो ये भी मैंने टिक कर दिया है। सिलेक्शन रूल मैंने टिक कर दिया है। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर अभी देखिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला मैंने अभी जस्ट टिक किया है, एनर्जी लेवल उसका बताना है। फोटोकेमिकल रिएक्शन मैंने टिक कर दिया है। एक ये देखिए क्वेश्चन, ये आपको जा करके स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले
वीडियो में पढ़ना पड़ेगा, सिंगलेट और ट्रिपलेट क्या होता है, ये मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा दिया है, आप लोग वहीं से पढ़ लीजिएगा और सेम वही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि सिंगलेट और ट्रिपलेट में क्या डिफरेंस है, ये नया क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये मैंने टिक कर दिया था अभी ऊपर, तो जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसकी डेफिनेशन भी वहीं देख लीजिएगा, डेफिनेशन भी देखें, यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने टिक कर दिया है। देखिए, वाई एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, वही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछ रहा है आपका, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से ये भी पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, ये भी आपको बताना है, तो ये भी तैयार कर लीजिएगा। साथ में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग का मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी, पढ़ लीजिएगा। रोटेशनल स्पेक्ट्रम से न्यूमेरिकल पूछ लिया है, आ जाए तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ये वाला कर लीजिएगा, थियरी वाला पोर्शन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट ये वाला छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए प्लैंक वाला ऑलरेडी सेम क्वेश्चन मैंने टिक कर दिया है, क्वांटम मैकेनिक्स मैंने टिक कर दिया है, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सिमेशन मैंने टिक कर दिया है, LCAO मैंने टिक कर दिया है, ऑसिलेटर एंड एन हार्मोनिसिटी मैंने टिक कर दिया है, नॉन रिजिड रोटर मैंने टिक कर दिया है, रिजिड रोटर भी और नॉन वाला भी। एक ये देखिए बढ़िया, इसी का मैं वेट कर रहा था कब से आएगा, जेब्लॉन्स्की डायग्राम, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी दिया है और इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है, रिपीट भी किया जाता है। डाइपोल मोमेंट मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है, श्रोडिंगर इक्वेशन मैंने पढ़ा भी है, टिक भी कर दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट मैंने टिक कर दिया है, स्पेसिफिक रोटेशन ये शायद ऑप्टिकल एंड स्पेसिफिक रोटेशन ही मैंने टिक कर दिया है ऑलरेडी, और नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी कभी पूछ लेता है। बाकी हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्रैंक कंडन मैंने टिक कर दिया है, और देखिए ल्यूमिनेसेंसेस एंड केमी ल्यूमिनेसेंसेस, ठीक है, ल्यूमिनेसेंसेस एंड केमी ल्यूमिनेसेंसेस, थोड़ा सा नाम ना ऐसा अटपटा मुंह में अटक जाता है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है बोलने में, कोई बात नहीं। ल्यूमिनेसेंसेस एंड केमी ल्यूमिनेसेंसेस ये दोनों टॉपिक मैंने ऑलरेडी, ये वाला ल्यूमिनेसेंसेस तो मैंने टिक कर दिया था, ये मैंने टिक कर दिया था, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है बैलेंस बॉन्ड थियरी, मैंने टिक कर दिया है, आगे बढ़ते हैं। 2019 वाला देखते हैं क्वेश्चन, इसमें देखिए एक पहला क्वेश्चन नया डाल दिया उठा करके, सेमी नॉर्मल एंड डेसी नॉर्मल क्या होता है, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो भगवान भरोसे, या तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, जल्दी पूछता नहीं है। आइडियल नॉन आइडियल मैंने टिक कर दिया, फोटो सेंसिटाइजर मैंने टिक कर दिया है, रेडियो एक्टिव ट्रांजिशन ये भी देखिए एक नया क्वेश्चन डाल दिया है, पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट करिएगा। सिस ट्रांस ये देखिए एक नया क्वेश्चन डाल दिया, हालांकि ये डाइपोल मोमेंट वाला ही है टॉपिक, तो ये मैंने टिक कर दिया है। एक ये देखिए क्वेश्चन आसान सा पूछ दिया है तो आप लोग कर ले जाएंगे, है ना, कन्वर्ट 800 नैनोमीटर इनटू सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, पर सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं, मैं आपको कन्वर्ट करना है, तो ये अगर कन्वर्जन आता है ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट ये भी देखिए एक नया क्वेश्चन डाल दिया है, छोड़ दीजिएगा इसको, न्यूट्रल नेचुरल लाइन विड्थ पूछा है, छोड़ दीजिएगा, बहुत ही रेयर क्वेश्चन है। वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ SO2 मॉलिक्यूल ये भी छोड़ दीजिएगा, मत पढ़िएगा ये, ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये दोनों छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है इसको भी छोड़ दीजिएगा, हालांकि इसको जब आप लोग एब्जॉर्प्शन वाला पढ़ेंगे तो इसमें आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। व्हाई द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिपीट करिएगा। नेक्स्ट देखिए फिर से एक न्यूमेरिकल पूछ लिया ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला मेरे ख्याल से आप लोगों को न्यूमेरिकल तैयार ठीक से कर लेना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहाँ से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों का दोनों इस बार न्यूमेरिकल ही डाल दिया, तो अब आपका आपके पास कोई चारा नहीं है, अब आपको करना ही पड़ेगा न्यूमेरिकल, ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल डाल दिया है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला आप लोग न्यूमेरिकल ठीक से तैयार कर लीजिएगा। डाइपोल मोमेंट मैंने टिक कर दिया है, ये देखिए
वही जो अभी आपसे पूछा था कि जो मैटर होते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो वही देखिए पैरा मैग्नेटिक होता है, डाया मैग्नेटिक होता है, फेरी मैग्नेटिक होता है, फेरो मैग्नेटिक होता है, तो वही इस बार नाम दे करके पूछ दिया है। अभी वहाँ पे पूछ रहा था कि सब्सटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, तो वो चाहे वैसे पूछे चाहे ऐसे पूछे बातें कही है, मैंने टिक कर दिया। क्वांटम इल्लो मैंने टिक कर दिया है, फास्फोरेंसिस एंड फ्लोरेंसिस ये देखिए शायद मैंने नहीं टिक किया है, और शायद मैंने पढ़ाया है इसको, पढ़ लीजिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रैंक कंडर मैंने टिक कर दिया है, और यम्मू मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट है रमन स्पेक्ट्रा, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने टिक कर दिया है, रमन एक्टिव पूछ रहा है, आयर मैंने टिक कर दिया है। नेक्स्ट है देखिए रिजिड रोटर मैंने टिक कर दिया है, सिलेक्शन रूल वाला। और नेक्स्ट की बात करें तो श्रोडिंगर इक्वेशन मैंने टिक कर दिया है। अब नेक्स्ट पूछा है डिस्क्राइब हाइब्रिडाइजेशन एंड कंस्ट्रक्ट द वेव फंक्शन ऑफ ESP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मत पढ़िएगा। ये देखिए एक नया क्वेश्चन डाल दिया था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैंने टिक कर दिया है, कॉम्पटन इफेक्ट मैंने टिक कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने टिक कर दिया। तो दो क्वेश्चन आपका ही हो जा रहा है, एक ही तो आपका काम फिट है, दो ही करना है आपको। लेकिन फिर भी मैं आपको और दिखा देता हूँ जो बाकी का दो है, दसवां और ग्यारहवां की अगर हम लोग बात करें तो दसवें वाले में देखिए क्या पूछा है। देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मैंने बोला था यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये भी मैंने टिक कर दिया है। फोटोकेमिकल रिएक्शन मैंने टिक कर दिया है। लैम्बर्ट्स ला एंड बीयर्स ला ये मैंने पढ़ाया भी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, दोनों मैंने पढ़ाया है, लैम्बर्ट्स और बीयर्स ला आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। अब फाइनल आते हैं 2020 वाले पेपर पर, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या अभी तक का रिजल्ट निकला जो गेस पेपर है। अगर आप लोग इतना जो मैंने 2019 तक का जो मैंने आपको गेस करके अभी जस्ट दिया है, ये अगर आप लोग इतना मेरे ऊपर भरोसा करके पढ़ करके अगर आप लोग जाते हैं तो कितने क्वेश्चन आप लोग गेन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 2020 का इस बार पेपर देने जाते तो कितने क्वेश्चन आप यहाँ से रिपीटेड आपको मिल सकते थे, कितने क्वेश्चन आप लोग करके आ सकते थे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, देखिए बोर वाला मैंने टिक किया था ना, वहीं से देखिए पूछा वो बोर रेडियस। तो अगर आप लोग ठीक से उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसी में आ जाता है बोर रेडियस को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नहीं तो मान लेते हैं चलिए मैंने टिक नहीं किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने मान लेता हूँ टिक नहीं मैंने नहीं किया था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपका आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी आप वहाँ पढ़ेंगे तो वो भी एक तरीके से मैंने इनडायरेक्टली मैंने टिक किया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको भी मान लेता हूँ टिक मैंने नहीं किया था। ठीक है, राउल्ट्स लॉ मैंने टिक कर दिया था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने टिक कर दिया था, रमन मैंने टिक कर दिया था, क्वांटम इल्लो मैंने टिक कर दिया था, ग्रॉथस ड्रेपर लॉ मैंने टिक कर दिया था, रोटेशनल होना चाहिए, रिलेशनल लिख दिया है, सिलेक्शन रूल इन रोटेशनल स्पेक्ट्रम ये मैंने टिक कर दिया सिलेक्शन रूल, और HE2+ और HE2 क्यूर एग्जिस्ट नहीं करता मैंने टिक कर दिया है, डाइपोल मोमेंट मैंने टिक कर दिया है। अब आप देख लीजिए पूरा का पूरा जो ये वाले सेक्शन का जो 10 क्वेश्चन है, 10 में से आप देखेंगे दो क्वेश्चन पहला और दूसरा ही क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा, मान लेता हूँ कि मैंने टिक नहीं किया था, तो तीन नंबर आपका यहाँ से जाएगा। ठीक है, तीन नंबर यहाँ से आपका जाएगा, बाकी का सारा आपको मिल जाएगा, 12 नंबर यहाँ से आपको आराम से मिल जाता अगर आप लोग पढ़ करके जाते मेरा बताया हुआ तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए व्हाट इज़ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी, देखिए MOT क्या होता है, ये वैसे पूछना नहीं चाहिए यहाँ पे थर्ड ईयर में, ये आपका सेकेंड ईयर का टॉपिक है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, वैसे सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, मैंने पढ़ाया हुआ है फर्स्ट ईयर में, उठा के यहाँ पे थर्ड ईयर में पूछ दिया है, तो आप वहीं से जा करके पढ़ लीजिएगा। मान लेता हूँ मैंने ये टिक नहीं किया था। ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन पूछ दिया है ना, ये भी आप देखें फर्स्ट ईयर का टॉपिक है ना, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, यहाँ पे उठा के पूछ दिया है, तो मान लेता हूँ मैं ये भी टिक नहीं किया था। ठीक है, तो हालांकि ये दोनों मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाकर के पढ़ लें, सॉरी मैंने MOT पढ़ाया है, हाइब्रिडाइजेशन मैंने नहीं पढ़ाया है, तो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं मान लेता हूँ टिक नहीं किया था आपका। 5-6 नंबर यहाँ से आपको गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से गया। नेक्स्ट अगर IR मैंने टिक कर दिया था, ये देखिए केमिल्यूमिनेसेंसेस मैंने टिक कर दिया था, IR मैंने टिक कर दिया था, और नेक्स्ट है ये देखिए ये मैंने टिक नहीं किया था। नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने टिक कर दिया था, फ्रीजिंग पॉइंट वाला मैंने टिक कर दिया था, एंड नेक्स्ट है ये देखिए MOT पर पूछ दिया है, न्यूमेरिकल ये भी मान लीजिए मैंने टिक नहीं किया था। तो यहाँ से आपका सिर्फ 6 नंबर यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मैच नहीं हो रहा है, बाकी सारा का सारा आराम से आप लोग कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होती, गलत नहीं सही। ठीक है, सारा का सारा आप लोग कर ले जाते, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होती। लेकिन अगर आप लोग मान लीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फर्स्ट ईयर में ही अगर आप लोग पढ़े हैं तो बड़े आराम से इसको भी आप लोग कर ले जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। फर्स्ट ईयर का पूछ दिया तो अब यहाँ से कहाँ से मैच होगा। ठीक है, उल्टा पुल्टा पेपर बनाया है, लेकिन कोई बात नहीं, मान लेते हैं अच्छा पेपर बना है फिर भी।
इतने क्वेश्चंस आपके मैच हुए। अब आगे देखिए आप, डे ब्रॉगली मैंने टिक कर दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने टिक कर दिया, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर ये मैंने टिक नहीं किया है, ठीक है। तो मान लेता हूँ सेवन्थ वाला क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, नहीं किया, एक टॉपिक इसमें से मैच नहीं हुआ, ठीक है, दो आपको करने हैं। श्रोडिंगर वाला मैंने टिक कर दिया है, एक तो चलिए पूरा हो गया। फ्रैंक कंडल मैंने टिक कर दिया है, जेब्लॉन्स्की डायग्राम मैंने टिक कर दिया है, वन टॉप मैंने टिक कर दिया है। तो मान लेते हैं सेवन्थ वाले में एक ये छोटा सा टॉपिक मैच अगर नहीं हुआ तो ये आप मान लीजिए आपने अगर छोड़ भी दिया तो बाकी चार आपके पास ऑप्शन है, चार में से कोई दो करना है तो बड़े आराम से आप लोग कर ले जाएंगे, तो यहाँ से 20 नंबर आपका पूरा का पूरा मिल जाता। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो एक क्वेश्चन आपका मैच नहीं हो रहा है बी वाले सेक्शन का, क्योंकि ये उल्टा क्वेश्चन ही बनाया, कोई मतलब ही नहीं है इसका यहाँ पे पूछने का, इसको ये तो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है यहाँ पे उठा के डाल दिया है। दूसरी बात ये है कि अगर ये वाले सेक्शन की बात करें तो दो यहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ से छोटे वाले नहीं मैच हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है, फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्या आपके लिए फ़ायदेमंद का सौदा नहीं है? बिल्कुल, दो क्वेश्चन आपका शॉर्ट वाले से गया, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बी वाले सेक्शन से गया, इतना तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, बाकी सारा कुछ तो और वाले से लेकर के सारा कुछ तो बिल्कुल मैच हुआ जो मैंने टिक आपको करके दिया था। अगर आप लोग 2020 का ऐसे देने जाते तो ये बस आपके आपको आपको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग खुद बताइएगा कि पेपर कैसा लगा आपको, कुछ अंदर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, और सेम ऐसे ही 2021 में भी आप लोग करके आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है 2021 में भी सेम ऐसा ही पैटर्न आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जब आप लोग पेपर दे करके आएंगे ना फिजिकल केमिस्ट्री का 2021 वाला, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन से यहाँ से आए थे जो टॉपिक्स मैंने टिक करके आपको दिए थे। कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से 30 से 35 टॉपिक हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा, तो 30 से 35 टॉपिक आपको पढ़ करके जाना है, और टॉपिक्स कैसे लगे है ना, और पेपर देने के बाद आपको कितने फंसे, सारा कुछ बिल्कुल लिख करके पूरा डिटेल में कमेंट में मुझे बताइएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। बाकी इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस तो मैंने करवा ही दिया है, वहाँ से जाकर के आप लोग कर लीजिएगा। पीडीएफ लेना है तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, पेमेंट करिएगा, 50 रुपये ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो मैं तुरंत आपको दे दूँगा। साथ में अगर मैं बात करूँ कि नेक्स्ट कौन सा आपको बनाना है, कौन सा पेपर आपको चाहिए, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।